हे गाइस, वेलकम बैक। हाउ आर यू? सो आज सैटरडे है और देखिए, वैसे तो हमारा जो ये रिवीजन वाला पार्ट है जिसके अंदर मॉक टेस्ट भी चल रहा है हमारा, मॉक टेस्ट भी हम ये साथ में बना रहे हैं। 8-10 क्वेश्चन हम हर उसमें सीरीज में बना रहे हैं, साथ साथ में हमारा रिवीजन भी चल रहा है। ठीक है, तो हम दोनों चीज़ कर रहे हैं, बट 2 दिन से जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी कुछ वजह से। तो आज जो है वीडियो, मैं सोचा कि आज जो है आपको ये, वैसे तो हमारे मंडे टू फ्राइडे चल रहता है, ठीक है, बट मुझे लगा कि कुछ जो 2 वीडियो मैं आपको दे नहीं पाया तो कुछ तो कवर कर पाए, क्योंकि देखिए टाइम भी कम है हमारे पास और प्रीलिम हमें काफ़ी अच्छे से करना है। सेकेंड चीज़ मैंने बतानी थी आपको, जो सुबह भी मैंने बताई थी द हिंदू की वीडियो में भी, कि आपके लिए जो है सी सेट के लिए कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं हम। सी सेट प्लस उसमें देखिए मैथ्स का मेन जो है पोर्शन किया जाएगा। मैथ्स भी जो एसएससी के बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट होगा, साथ में जो पीसीएस के हैं, पीसीएस में देखिए सी सेट काफ़ी अच्छे लेवल का आता है। तो जो है अगर ये वीडियोस देखते रहेंगे, इतना ही प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सी सेट जो है कोई दिक्कत नहीं आएगी। यूपीएससी का सी सेट तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि बहुत आसान होता है, 66 नंबर आपको लेने होते हैं 200 में से, ठीक है, बहुत आसान होता है। पीसीएस का जो सी सेट है उसमें भी मदद मिलेगी, और साथ में जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं मैथ्स के लिए उसमें भी इसकी मदद करेगी। काफ़ी अच्छे टीचर हमारे पास जो है अवेलेबल है अभी, और जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले पूछ रहे हैं कि ये डिजीज है एक, ठीक है, ये न्यूज़ में रहती है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, लेप्टोस्पाइरोसिस। ठीक है, क्या है लेप्टो स्पाइरोसिस, इसके बारे में पूछ रहे हैं। 3 स्टेटमेंट दिए आपको देखनी है। सबसे पहली स्टेटमेंट है वायरल डिजीज है, सेकंड है न्यूज़ में रहती है, देखिए पूछा जा सकता है इस तरह की डिजीज जो हमने, ऐसा लगता है कि हमने कभी सुनी नहीं है, तो ऐसी पूछी जा सकती है। लेप्टोस्पायरोसिस ये वायरल डिजीज है, सेकंड है नेगलेक्टिक ट्रॉपिकल डिजीज है, थर्ड कह रहे हैं प्रीडोमिनेटली ट्रांसमिट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ बॉडीली फ्लूइड। ठीक है, बॉडी का जो फ्लूइड होता है हमारा उससे ये फैलती है, ठीक है, ये कहते हैं थर्ड स्टेटमेंट के अंदर। तो देखिए 3 स्टेटमेंट आपको देखने हैं, चलिए मैं बताता हूँ क्या होती है लेप्टोस्पायरोसिस। देखिए एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है एक तरह से, और ये रोडेंट से फैलती है, ठीक है, एंड अदर वाइल्ड एंड डोमेस्टिक स्पीसीज, और भी जो वाइल्ड और डोमेस्टिक स्पीसीज है उनसे भी हो जाती है, और ह्यूमन से भी फैल जाती है। लेकिन पर्सन टू पर्सन जो है ट्रांसमिशन इसका बहुत रेयर है, बहुत रेयर चांस है, यानी कि 1% 2% है पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन। तो इसमें जो थर्ड स्टेटमेंट हमारी वो गलत हो जाती है, क्योंकि कह रहे हैं प्रीडोमिनेंटली, यानी कि मेनली पर्सन टू पर्सन होती है, ऐसा नहीं है रेयरली होती है, ठीक है, रेयरली होती है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत होती है, तो ये और ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके अलावा देखिए होती क्या है लेप्टोस्पायरोसिस, ये देखिए क्या होती है, रोडेंट से मेनली फैलती है। रोडेंट क्या होती है, ये देखिए रैट्स है, रैट्स इन्फेक्टेड होते हैं, एक बैक्टीरिया होता है ये लेप्टोस्पायरा, ये देखिए एसपी, ये करके लेप्टोस्पायरा ये बैक्टीरिया होता है, ये मेनली किसको इन्फेक्ट करता है, रैट्स को। और रैट्स रैट्स की जो यूरिन वगैरह होती है वाटर और जो है सॉइल में चली जाती है, और वो वाटर और सॉइल जब हमारा कोई घाव वगैरह हमें लगा हो रहा है उस पर जो है वाटर सॉइल लग जाता है, तो हमें भी लेप्टोस्पायरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो यही है, ये मेनली जो है यूरिन से या फिर आइज के थ्रू भी चली जाती है, या स्वेलिंग कर ले हम कंटामिनेटेड फूड और वाटर जिसके अंदर इस तरह की इन्फेक्शन थी, तो उससे भी ये चला जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। सिम्टम्स क्या है, फीवर है, चिल्स, हेडेक, मसल एक, वॉमिटिंग, डायरिया, वो सब बेसिक चीजें हैं। जॉन्डिस भी हो जाता है, स्किन रैश, आई रैश। तो ये आपको याद रखना है, लेप्टोस्पायरोसिस कैसे फैलती है, मेनली रोडेंट से। रोडेंट क्या है, यानी कि रैट्स वगैरह जो होते हैं। ये कहते हैं ह्यूमन बिकम इन्फेक्टेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यूरिन और इन्फेक्टेड एनिमल और यूरिन कंटामिनेटेड एनवायरमेंट, यानी कि उनकी जो यूरिन होती है वो अगर सॉइल में चले जाए, वाटर में चले जाए, वो हमारे किसी घाव वगैरह पे लग जाए, या आईज में चले जाए, या अगर मुंह से अंदर भी चले जाए किसी भी कारणों से, तो हमें ये बीमारी हो सकती है। ठीक है, ये बोलते हैं बैक्टीरिया एंटर इन द बॉडी थ्रू कट्स और एब्रेशन ऑन द स्क्रीन, वही अगर घाव होगा तो उससे ये चली जाएगी, या माउस जो सॉरी माउथ नोज और आईज के थ्रू भी ये चली जाती है। ठीक है, तो ये देखिए वायरल डिजीज नहीं है, ये एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, तो ये वाली स्टेटमेंट भी इसकी गलत हो जाती है, ट्रॉपिकल नेगलेक्टेड डिजीज है, तो आंसर इसका क्या होगा, 2 ओनली। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है विच अमंग द फॉलोइंग राइट्स आर इंक्लूडेड इन रिसेंटली रिलीज चार्टर ऑफ पेशेंट राइट। देखिए पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, मरीज होते हैं, उनके भी कुछ अधिकार होते हैं, तो उसका एक चार्टर बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। तो उस चार्टर के अंदर क्या क्या राइट्स दिए गए हैं ये आपको बताना है, 4 राइट्स हैं, इनको आपको एनालाइज करके बताना है कि कौन सा सही है या नहीं है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन, सेकेंड है राइट टू सेकेंड ओपिनियन, थर्ड है राइट टू फ्री एंड सब्सिडाइज मेडिकल केयर, फोर्थ है राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम पेशेंट इन्वॉल्व इन क्लिनिकल ट्रायल। देखिए कुछ चीजें तो आप ऑप्शन तो इससे
इजीली, जो आपको बेसिक सी नॉलेज भी है, अगर थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो कुछ ऑप्शन तो आप इसे ऐसे ही निकाल सकते हैं। फर्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर आप बीमार हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन है, जरूरी है जानना किस तरह की बीमारी है, क्या बीमारी है, तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगी। अगर वन अगर हम देखें तो इससे दो कट जाती है, राइट टू ए सेकेंड ओपिनियन। अब ये भी हमारे पास अधिकार, नॉर्मल सी बात है, होना ही चाहिए कि अगर हम एक डॉक्टर से सेटिस्फाई नहीं है कि इसने जो है शायद गलत टेस्ट किया या कुछ भी गलत है इसकी एनालिसिस, तो हम दूसरा भी ओपिनियन ले सकते हैं। तो ये भी दो भी बिल्कुल ठीक है। तो दो के अकॉर्डिंग तो देखिए कोई स्टेटमेंट कटती नहीं है, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी, ये भी नहीं कटेगी। इसके बाद है राइट टू फ्री और सब्सिडाइज मेडिकल केयर। अब देखिए फ्री मेडिकल केयर कैसे मिलेगी, चार्टर के अंदर ये चीज दे ही नहीं सकते कि फ्री मेडिकल केयर आपको मिले। फ्री के लिए फ्री तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आयुष्मान भारत भी गरीबों के लिए है और ये जो है ये सभी के लिए है, तो फ्री तो हो नहीं सकती। सब्सिडाइज मेडिकल केयर या फ्री तो हो नहीं सकती। थर्ड स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है, ठीक है। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब आपके पास बी बचा और डी बचा। अब आपको सिर्फ ऑप्शन जो है फोर्थ को देखना है। फोर्थ है राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ पेशेंट इन्वॉल्व इन क्लिनिकल ट्रायल। तो देखिए ये भी बात है कि जो आपके जो है नॉर्मल सी सोचेंगे तो आपको स्टेटमेंट ठीक लगेगी, पर चलिए हम देख लेते हैं क्या क्या चार्टर के अंदर था। देखिए ये है राइट्स हैं आपके पास, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट, एमरजेंसी मेडिकल केयर का भी राइट्स है आपके पास, इन्फॉर्म कंसेंट का भी है, कॉन्फिडेंशियल या ह्यूमन डिग्निटी प्राइवेसी को भी मेंटेन करने का राइट्स है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का भी है, सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर का भी है, चूज अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट, सेकेंड ओपिनियन, ट्रांसपेरेंसी इन रेट्स, केयर अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब रेट वट एवर रेलिवेंट, चूज द सोर्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग मेडिसिन एंड टेस्ट, प्रॉपर रेफरल एंड ट्रांसफर, प्रोटेक्शन ऑफ फॉर पेशेंट इन्वॉल्व इन क्लिनिकल ट्रायल। तो ये वाला जो है देखिए ये ऑप्शन भी ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम फॉर पेशेंट इन्वॉल्व इन क्लिनिकल ट्रायल। और 14th है आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व इन बायोमेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च। और 15th है डिस्चार्ज, राइट टू रिसीव द बॉडी ऑफ डिसीज पर्सन फ्रॉम हॉस्पिटल। ये भी है, आप चाहें तो आप डिस्चार्ज भी हो सकते हैं, जब आप चाहें आप जो डिसीज की बॉडी भी ले सकते हैं, पेशेंट एजुकेशन और बी हर्ड एंड सीक रिड्रेसल। तो ये सब चीज़ें राइट्स हैं आपका, 17 राइट्स हैं, इनको जो है 2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ओशियन क्लीनअप, द ओशियन क्लीनअप जो है रिसेंटली न्यूज में रहती है, तो ये क्या है इसके बारे में पूछ रहे हैं। देखिए पहला ये स्टेटमेंट है, इट इज ए पॉलिसी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर गवर्नमेंट इन वेस्टर्न वर्ल्ड बाय फॉर वे एंड मीन्स टू रिड्यूस प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन। प्लास्टिक वेस्ट जो जनरेशन है जो समुद्र में जाती है उसको रोकने के लिए ये काम करती है, एक तरह से पॉलिसी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन की है ये, ठीक है। सेकेंड है, ऑर्गेनाइजेशन वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन रिसेंट गेटिंग विद द यूएन टू अडोप्ट ए रेजुलेशन टू कम्प्लीटली स्टॉप प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम एंटरिंग इन द ओशन। ये कह रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेजर काम क्या है, इन रिसेंट गेटिंग द यूएन टू अडोप्ट, यानी कि यूएन को भी ये जो है कोशिश कर रही है कि यूएन भी इस तरह का रेजुलेशन अडोप्ट करे कि जो प्लास्टिक वेस्ट है वो बिल्कुल बंद किया जाए ताकि ओशन में प्लास्टिक वेस्ट ना जा सके, ठीक है। दो स्टेटमेंट है, आपको बतानी है कौन सी ठीक है। मैं बताता हूँ, चलिए ओशन क्लीनअप है क्या। देखिए बोलते हैं ओशन क्लीनअप इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपिंग एडवांस टेक्नोलॉजीज टू रिड द वर्ल्ड ओशियन ऑफ प्लास्टिक, ठीक है। वर्ल्ड का जो ओशियन के प्लास्टिक्स है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट देखिए स्टेटमेंट क्या है, इट इज ए पॉलिसी एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पॉलिसी एडवोकेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एनजीओ है एक तरह से, ठीक है। तो ऑप्शन इसका है नीदर वन, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट इसके गलत है। इसके अलावा देखिए और क्या इसके बारे में बताते हैं, मिलियन, ये देखिए नॉर्मल आपको पता है प्लास्टिक ओशियंस के अंदर कितना जाता है, होता क्या है, देखिए प्लास्टिक का देखिए क्या होता है, जैसे आपने कोई भी पॉलिथीन आपकी ओशियन के अंदर चली गई, नॉर्मल तो डिसइंटीग्रेट नहीं होती, लेकिन जो ये लार्ज ओशियनिक करंट्स होते हैं तो इनमें गीजर्स बनते हैं, ठीक है। गीजर्स यानी कि इस तरह के सिस्टम बनता है जो कि गीजर्स के अंदर जब प्लास्टिक जो अगर उस गीजर में ट्रैप हो जाता है, ठीक है, इसको अलग अलग गीजर भी बोलते हैं, कुछ जायर्स भी बोलते हैं, तो अलग अलग आपके प्रोनाउंसिएशन है क्या इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं और माइक्रो प्लास्टिक का फॉर्म ले लेते हैं और माइक्रो प्लास्टिक से और ये जो है हमारे सी फूड के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है काफ़ी, इसलिए जो है क्लीनअप जो है ये एक तरह से कोशिश कर रही है कि जो एमिशन है वो कम हो, ठीक है, एमिशन कम हो। इसके अंदर आप नेट्स वेट्स भी कुछ डिफरेंट टाइप के नेट्स भी ये यूज कर रहे हैं ताकि जो प्लास्टिक से उसको निकाला जा सके, ठीक है। यू शेप्ड एक सिस्टम है इनका, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ओशन क्लीनअप आपको पता होना चाहिए। और ये जायर्स या कुछ गीजर्स भी बोलते हैं इनको, तो क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके लिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है।
डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स एंड नॉन रेट्रोग्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन केस रिलेटेड टू। ये देखिए एक डॉक्ट्रिन जो है, ये मैंने पढ़ाई भी थी आपको, ठीक है, सितंबर का जब मैं आपको पढ़ा रहा था न्यूज़पेपर या द हिंदू, उसके अंदर मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए एक नया ये डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस की है, प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स एंड नॉन रेट्रोग्रेशन। नाम से ही देखिए हो रहा है कि जो अधिकार है वो प्रोग्रेसिव होंगे, यानी कि जैसे सोसाइटी हमारी आगे बढ़ रही है तो उसके साथ साथ सोसाइटी के साथ साथ नए नए हमारे जो चीज़ें हैं वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे अधिकारों को, और नॉन रेट्रोग्रेशन होंगे यानी कि दोबारा उनको, यानी कि ऐसा नहीं कि उनको खत्म करके पुरानी वाली उस पर चला जाए। सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने सती सिस्टम खत्म किया था आज से काफ़ी सालों पहले, तो जब चाहे ब्रिटिशर्स ने खत्म किया था, लेकिन सती सिस्टम खत्म हो गया तो अधिकार तो आज औरतों के पास जो है बराबर अधिकार है, तो और ये नहीं है कि औरतों के अधिकार को वापस ले लिया जाएगा। तो वही पूछने चाह रहे कौन सा ऐसा केस था जिसके अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए आंसर है इसका सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 377 किससे रिगार्डिंग है? एलजीबीटी, ले सॉरी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और क्यूएर, इन लोगों के लिए जो है ये देखिए ये नया जो डॉक्ट्रिन है निकाली गई है, काफ़ी अच्छा है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसका मतलब क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेसिव एंड रियलाइजेशन ऑफ राइट्स का मतलब क्या है कि फ्यूचर में अगर 377 को दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाए तो इसके खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए सोसाइटी जो है वो चेंज हो रही है, बेसिक राइट्स भी चेंज हो रहे हैं। एक टाइम पे इसको जो है 377 को देखिए अपराध था ये, आज इसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है, इसको नल एंड वॉइड कर दिया है। तो यही कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन होनी चाहिए अधिकारों की, क्योंकि जो है जो हमारी मॉडर्न इथोज है, मॉडर्न हमारा कल्चर है, उसके हिसाब से हमने सेंस अप्लाई करके हम जो है इस राइट्स को अप्लाई कर रहे हैं या नए नए राइट्स को जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, और इन राइट्स को जो है सरकार दोबारा वापस नहीं ले सकती अधिकारों को, ठीक है। तो यही है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए ये पूछ रहे हैं, वेबी इज वन ऑफ द 12 विलेजेस इन मिडिल एंड अंडमान, नॉर्थ अंडमान, वेयर द मिनिस्क्यूल यानी कि काफ़ी कुछ कैरेन कम्युनिटी लिव्स, यानी कि वेबी करके वन ऑफ द 12 विलेजेस हैं, यानी कि कुछ गांव हैं मिडिल और नॉर्थ अंडमान में, उसमें कुछ लोग कैरेन करके कम्युनिटी है ये रहती है, ठीक है, वेबी विलेज के अंदर। तो ये कह रहे हैं कि ये लोग कहाँ से आए थे ये आपको बताना, ये करीबन 90-100 साल पहले जो है आए थे यहाँ पे अंडमान में, तो ये कहाँ से आए थे ये आपको बताना है। देखिए बहुत डिटेल इसमें बताई हुई है लेकिन आपको उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल ये है कि देखिए आए कहाँ से थे, म्यांमार से आए थे, ठीक है, तो आंसर इसका होगा ए। ये बोल रहा हूँ 1950-85 में पहला बैच आया, 1925 में सॉरी पहला बैच आया था, केरेन जो है ये सोर्स के ऊपर आए, म्यांमार में जो है कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए, तो इतना हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए केरेन करके कम्युनिटी है ये कहाँ रहती है, नॉर्थ अंडमान में, और ये जो है वेबी विलेज जो है वहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, ये देखिए काफ़ी अच्छा है, इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, ये आपको देखनी है कौन सी ठीक है या नहीं है। फर्स्ट है, इट मेंटेन द रजिस्टर ऑफ हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर, यानी कि एक तरह से रजिस्टर मेंटेन करती है जिसमें हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर को यानी कि नॉमिनेट किया जाता है या डेजिग्नेट यानी कि बताया जाता है कि इस रजिस्टर में कि कौन कौन से हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर है, इनकी जो बहुत पुराने हैं उनको सिक्योर रखना चाहिए, ऐसा जो है रजिस्ट्री एक मेंटेन करते हैं। सेकेंड है, इट इज़ एफिलेटेड टू यूनेस्को, ये यूनेस्को से एफिलेटेड है और इंडिया इसका मेंबर है, तो ये तीन स्टेटमेंट है ये आपको देखनी है, ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए आंसर तो इसमें सी होगा, सी का मतलब क्या है, 1 और 3, ठीक है, यूनेस्को का पार्ट नहीं है ये, हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करती है, इनकी उनकी लिस्ट रखती है और इंडिया इसका मेंबर है, लेकिन और इसकी डिटेल देख लेते हैं। ये बोलते हैं इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज जो है ये 1950 में बना था और ये एक लीडिंग साइंटिफिक टेक्निकल इंटरनेशनल नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ है ये, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ है ये, और इसमें ये लीडिंग जो साइंटिफिक टेक्निकल और इंटरनेशनल जो एक तरह से काम करती है उतने तरीक़ों से, इसके अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं पूरे वर्ल्ड से, यानी कि पूरे यानी कि इंडिया का हो गया, बाहर बाहर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको इरीगेशन, ड्रेनेज, फ्लड मैनेजमेंट इन सब की फील्ड में जो है नॉलेज होती है, और इसका मेन मिशन है ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है उसको प्रमोट किया जाए और वाटर मैनेजमेंट को प्रमोट किया जाए, यानी कि कम पानी यूज करके हम जो है फसलों को उगा सकें, इस तरह की कोशिश करने के लिए ये कोशिश करता है,
जो ये इंटरनेशनल कमीशन फॉर इरिगेशन एंड ड्रेनेज है 1950 में बना था। ये कहना टू अचीव वाटर सिक्योर वर्ल्ड फ्री फ्रॉम पॉवर्टी। देखिए पानी कम लगेगा, ज़्यादा अनाज उगाया जा सकेगा, तो पानी की जो है, पानी जो है, बिजली भी जो है खर्च होती है, बहुत से कारण होते हैं। तो सिर्फ गरीबी को मिटाया जाता है, हंगर को भी मिटाया जा सकता है अगर सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, गाँव का भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ये कह रहे हैं ICID इनिशिएटेड फ्यू ईयर एगो द स्कीम ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हेरिटेज इरीगेशन स्ट्रक्चर। और जो ऐसे ऐसे इरीगेशन स्ट्रक्चर हैं जो काफ़ी अच्छे रहते हैं, उनको जो है, इनको ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको जो है इनिशिएट किया इन्होंने कि इन स्कीम्स को जो है इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि एक कंट्री को इन स्कीम्स को देख के, यानी कि सपोज कीजिए इंडिया के अंदर कोई ऐसी स्कीम है जिससे कि इरिगेशन को फ़ायदा होता है, ठीक है, तो सिंचाई वगैरह में फ़ायदा दे रहा है, वो काफ़ी अच्छा स्कीम है, तो वो इसको लिस्ट करते हैं और कंट्रीज भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं अलोंग द लाइन्स ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जैसे कि यूनेस्को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स रखती है ना, ऐसे ही ये इरीगेशन स्ट्रक्चर जो है हेरिटेज उनकी लिस्ट रखते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं कि तेलंगाना के अंदर दो इरीगेशन फैसिलिटी है, उनको जो है टैग किया गया, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आज आपके लिए, मैं एक बार देख लेते हैं कौन-कौन से क्वेश्चन थे। पहला था लेप्टोस्पाइरोसिस, याद आ रहा है, रोडेंट से रिगार्डिंग, चलिए। सेकंड था कौन-कौन से चार्टर के अंदर पेशेंट राइट के कौन-कौन से राइट्स दिए गए हैं चार्टर के अंदर, वो सब थे, 17 राइट्स हमने देखे। इसके अलावा ओशन क्लीनअप क्या है, एक एनजीओ है, क्या काम करती है, वो सब हमने देखा। इसके अलावा हमने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट्स एंड नॉन रेट्रोग्रेशन के बारे में देखा, कैसे ये सेक्शन 377 को लेके सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके अलावा देखा हमने वेबी के बारे में, ठीक है, वेबी कहाँ पे ये रहते हैं, कहाँ से आए थे, कैरेन कम्युनिटी, सॉरी वेबी विलेज है और कैरेन कम्युनिटी जो इसके अंदर है, कहाँ से आई थी, कहाँ से माइग्रेट होकर अंडमान में गई थी, ठीक है। और फिर हमने देखा इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरीगेशन एंड ड्रेनेज के बारे में क्या है, कैसे ये अपने हेरिटेज इरीगेशन स्ट्रक्चर का रजिस्टर मेंटेन करती है, और इंडिया के अंदर भी कौन कौन से, ये भी अगर याद कर लें तो अच्छी बात है, इंडिया इसका मेंबर 1950s में जो है इसको बनाया गया था, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इन चीजों को आप देखते रहिए, जो चीज नहीं आती है उसको नोट डाउन करते रहिए, या फिर वीडियोस को जो है डाउनलोड करके रख लीजिए, वीक में एक बार सारी वीडियोस को दोबारा रिवाइज कीजिए, ताकि जो है टाइम आपका वेस्ट ना हो, एक चीज को 3-4 बार रिवीजन करना पड़ेगा, जब जाके एग्जाम में चीजें याद आएंगी आपको, ठीक है। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।